बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाना शेयर करूंगी, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनती है। तो इस सिंपल और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मिक्स सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल लेंगे, 1 मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज डालेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून हम दही शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून लेंगे पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा और 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 1 मीडियम साइज की बारीक कटी टमाटर डालेंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा किलो आलू और आधा किलो गाजर लेकर बारीक कटिंग कर लेंगे और 1 कटोरी मटर लेंगे। तो मसाला बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, आधा कप पानी डालेंगे और 10 मिनट तक कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। सब्जियों में आधा कप पानी डालकर 10 मिनट तक हमने पकने के लिए रख दिया था। तो सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, अब हम 3 से 4 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डालेंगे और 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब हम 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 3 से 4 साबुत हरी मिर्च डालेंगे और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। अब हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सब्जी ने घी भी छोड़ दिया है। अब हम सब्जी को सर्विंग डिश में निकाल लेंगे, एक हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी हमारी मिक्स सब्जी तैयार है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसे गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या चावलों के साथ करें, बहुत ही मजे की बनी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें।